चंगेज खान, इतिहास का सबसे खूंखार हत्यारा। बाबर की मां का पूर्वज और विश्व इतिहास का सबसे क्रूर और वहशी लुटेरा चंगेज खान, जिसकी सेना जहां से भी गुजरती थी अपने पीछे बर्बादी की ऐसी कहानियां छोड़ जाती थी कि सदियों तक उनको याद कर लोगों की रूह कांप जाती थी। एक अनुसंधान के अनुसार इस क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलों में इस कदर लूटपाट और खून खराबा किया कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान सहित उज्बेकिस्तान, तिब्बत और बर्मा जैसे देशों की भी बहुत बड़ी आबादी का सफाया हो गया। उसने सन 1219 में ईरान पर हमला करके वहां की 75% आबादी का समूल खात्मा कर दिया। उज्बेकिस्तान के बड़े शहर बुखारा और राजधानी समरकंद को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। बुखारा की 10 लाख की आबादी में से सिर्फ 50,000 लोग ही जिंदा बचे। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान के हमले के समय जितनी आबादी पूरे ईरान की थी, उतनी आबादी वापस होने में 750 साल का लंबा समय लग गया। चंगेज खान ने जब चीन की दीवार को भेदकर उसकी राजधानी बीजिंग पर कब्जा किया, तो उसके बाद चीन की जनसंख्या में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। एक अनुमान के अनुसार उसने अपने समय की 11% आबादी को साफ कर दिया था, जो तकरीबन 4 करोड़ होती है। चंगेज नाम के साथ खान लगा होने की वजह से अधिकतर लोग ये मान लेते हैं कि वह मुसलमान था, जबकि ऐसा नहीं है। चंगेज खान का असली नाम तैमुजिन था और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। मंगोल की सभा ने भी उसे अपना सरदार घोषित कर दिया और कागान की उपाधि दी, जो आगे चलकर खान में तब्दील हो गई। कागान का अर्थ होता है सम्राट सरदार। चंगेज नाम उसे बाद में मिला जब कई कबीलों ने उसकी आधीनता मान ली और पृथ्वी का एक बड़ा क्षेत्र उसके कब्जे में आ गया। चंगेज शब्द का अर्थ होता है विश्व का समुद्र। तुमैजीन अब चंगेज खान बन चुका था, जिसका मतलब होता है विश्व सम्राट। आमतौर पर चंगेज खान को मुसलमान समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविकता तो ये थी कि मुसलमानों के लिए तो चंगेज खान मौत और दहशत का दूसरा नाम था। चंगेज खान ने मुस्लिम साम्राज्य को लगभग नष्ट ही कर दिया था।